दोस्तों फोटोग्राफी में सिर्फ कैमरा और लेंस ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक फ़ोटोग्राफ को बेहतर बनाने के काम आती हैं। और यहाँ पर जब सवाल आता है दोस्तों फोटोग्राफी गियर्स और एक्सेसरीज़ का, तो आज मैं आपको अपने स्टूडियो में ले चलूँगा। वहाँ मैं अपने कौन से ऐसी एक्सेसरीज़ या गियर्स यूज़ करता हूँ जिससे मुझे हेल्प मिलती है अपने फोटोग्राफ्स को बेटर बनाने में, तो वो सारे गियर्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपी रह जाती हैं, पता नहीं चलता। जब हम फोटोशूट करते हैं तो सबका ध्यान कैमरा और लेंसेज में ही जाता है, उन चीज़ों पर नहीं जाता जो कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स को जो है बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। तो चलिए स्टूडियो में चलते हैं और वहाँ देखते हैं सारी चीज़ें। उम्मीद है इस वीडियो से जो है काफ़ी बिगनर फोटोग्राफर्स या उन लोगों को हेल्प मिलेगी जो एक अच्छी खासी फोटोग्राफी एक्सेसरीज़ या इस तरह के गियर्स को ढूंढ रहे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने फोटो स्टूडियो में। दोस्तों फोटो स्टूडियो को खोलना आसान है, लेकिन जब आप अपने खुद का फोटो स्टूडियो चालू करते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि खाली कैमरा और लेंस से ही बात नहीं बनती है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है जो आपके फोटोग्राफी के वर्क फ्लो को ईजी बनाते हैं। और कई बार आपको ऐसे छोटे छोटे गियर्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है जो आपकी फोटोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मेरा पहला गियर। अब दोस्तों चाहे फोटो स्टूडियो हो या आप आउटडोर शूट कर रहे हो, एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हम लाइटिंग गियर यूज़ करते हैं वहाँ पर आप किस तरह का स्टैंड चूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मेरे स्टूडियो में एक पॉली स्टैंड है, एलिनक्रोम ब्रांड का है, और ये शायद मैंने कुछ लिया था 6,500-7,000 रुपये में, एग्जैक्टली याद नहीं, काफ़ी टाइम पहले लिया था। अब ये जो पॉली स्टैंड है ये क्यों लिया था और ये क्या काम आता है, ये भी एक बहुत ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम फोटो स्टूडियो में काम करते हैं तो वहाँ पर लाइट को शेप करना एक आर्ट होता है। आप लाइट को कैसे शेप कर रहे हो, और लाइट को जब आप शेप करते हो तो वहाँ पर लाइट मॉडल से कितनी पास जा रही है, कितनी दूर रखनी है, या मॉडल को किस तरह से उसके ऊपर लाइट को थ्रो करना है, वहाँ पर ये स्टैंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। अब ये जो पॉली स्टैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँ, इसके अंदर आप देख पा रहे हो नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, और ये मैंने इसलिए लिया कि कई बार मेरे पोर्ट्रेट्स के सेशन होते हैं या छोटे शूट होते हैं जहाँ पे मैं बड़े क्रू को हायर नहीं कर सकता या 2-5 लोगों को मैं हायर नहीं कर सकता, तो मैं उस टाइम पे जो है अकेले ही काम करता हूँ। तो ये पॉली स्टैंड में अगर व्हील होने की वजह से मैं लाइट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी असिस्टेंट के। दूसरी चीज़ दोस्तों आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर एक बूम रॉड भी है, देखिए इस तरह से, और ये जो बूम रॉड है ये आपके लाइट को डायरेक्शनल यानी कि डायरेक्शन देने के काम आती है कि क्या आपको जो है लाइट को रखना है 60 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, या आपको लाइट को रखना है इस तरह से 180 डिग्री पे, या लाइट को रखना है आपको 90 डिग्री पे, और कितने पास आपको लाइट को लेके जाना है अपने मॉडल के, और आपको कितनी हाइट पे, यानी यहाँ से आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो, कितनी हाइट पे आपको लाइट को रखना है, किस हाइट से आपको लाइट को थ्रो करना है। तो लाइट स्टैंड्स को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि लाइट स्टैंड एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो आपकी फोटोग्राफी को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। जाने अनजाने में जब भी हम अपने लिए कैमरा लेंसेज तो खरीद देते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टैंड्स खरीदने की तो वहाँ पे हम कर जाते हैं गलती, और हम ये नहीं सोचते कि भाई स्टैंड का क्या रोल है या स्टैंड कैसे हमें हेल्प कर सकता है हमारी फोटोग्राफी को बेटर करने के लिए। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ट्राइपॉड होता है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर होता है फोटोग्राफी के अंदर। मेरे कहने से दोस्तों एक बार आप ट्राई करना, आप अपने कैमरा को ट्राइपॉड पे रखना और फिर जो है आप पिक्चर को शूट करना, आप देखना दोस्तों जो भी आपका लेंस का परफॉर्मेंस है वो उस लेंस की परफॉर्मेंस को कम से कम जो है दोस्तों 5 times बेटर कर देता है। क्योंकि जब आप कैमरा को अपने ट्राइपॉड पे रखते हैं, एक अच्छे ट्राइपॉड पे, तो वहाँ पर जो भी उसके ऑप्टिक्स होते हैं कैमरा के लेंस के अंदर, वो ऑप्टिक्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और आपकी पिक्चर की जो शार्पनेस है या उसकी जो क्लैरिटी है वो कम से कम 5 times बेटर आती है कंपेयर टू हैंड हेल्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहे फोटोशूट अपने स्टूडियो में कर रहे हो या आप फोटोशूट कर रहे हो अपने आउटडोर पर, एक अच्छे ट्राइपॉड को आप ज़रूर लीजिएगा। ये ट्राइपॉड जो है मेरा, ये आप देख पा रहे हैं कि मैनफ्रोटो का ट्राइपॉड है, और ये ट्राइपॉड मैंने अपने स्पेशली स्टूडियो फोटोग्राफी के काम के लिए लिया है। अक्सर जब भी मैं अपने कोई प्रोफेशनल शूट करता हूँ, कोई मेरे कैटलॉग के शूट होते हैं या मेरा कोई फैशन फोटोग्राफी का लुक बुक का काम होता है जहाँ पे मुझे जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर शार्प इमेजेस चाहिए होती हैं, तो वहाँ पर मैं कैमरा हमेशा अपना ट्राइपॉड पे रखता हूँ और फिर जो है मैं अपनी पिक्चर्स को शूट करता हूँ, तो उससे मुझे इमेजेस के अंदर जो शार्पनेस है वो बहुत ही कमाल की मिलती है। अब
जो ट्राइपॉड आपको कैसा लेना है ये आप ध्यान रखिए कि आप किस कितने भारी लेंसेज या कितना हैवी आप जो है कैमरा यूज़ करें। तो मेरा जो सेटअप है फोटोग्राफी का उस हिसाब से ये ट्राइपॉड करीब 6 kg तक का वेट ले सकता है, यानी कि उतना पेलोड इस पर आराम से वो टॉलरेट कर सकता है। और ये ट्राइपॉड मैंने लिया है, इसके ऊपर अगर मैं कोई अपने जैसे यूट्यूब की वीडियो भी शूट करता हूँ स्टूडियो में तो वहाँ पर भी इसे यूज़ करता हूँ, उसमें मूवी का और फोटो का दोनों का ही ऑप्शन है। और इसके जो लेग्स आप देखेंगे तो काफ़ी बहुत ही सॉलिड हैं, बहुत ही एक सॉलिड पीस ऑफ, यानी कि आप कह सकते हो कि एक बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है ये, काफ़ी रॉबस्ट है। और इसको मैं आसानी से जो है दोस्तों अपने स्टूडियो के अंदर कहीं भी यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब इसे आउटडोर में लेके जाता हूँ क्योंकि इसका जो वेट है वो थोड़ा सा भारी है। बट ये ट्राइपॉड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा गियर होता है जो आपकी फ़ोटोज़ के अंदर शार्पनेस को इनक्रीज़ करता है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे कहने से आप अपने ट्राइपॉड को यूज़ करिए, या नहीं है तो आपने एक छोटा जो भी ट्राइपॉड ले सकते हैं आप लीजिए और उस पर आप पिक्चर्स को शूट करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो शार्पनेस है वो एकदम बढ़ के निकल के आती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली फोटोग्राफी एक्सेसरी की। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे फोटोग्राफर्स कैमरा लेंसेज और इवन लाइटिंग गियर्स में भी बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती करते हैं सही लाइट शेपिंग टूल्स को सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पर मैं, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे लाइट शेपिंग टूल्स हैं, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ मेरा फेवरेट और बहुत ही यूज़फुल है सभी के लिए, वो है दोस्तों एक ब्यूटी डिश। अब ब्यूटी डिश जो है दोस्तों वो आप हमेशा एक अपने पास रखिए, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए पहले देख लीजिए ब्यूटी डिश कैसी होती है। देखिए इस तरह से जो है ब्यूटी डिश होता है पूरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा गोल गोल सा आप देख पा रहे हो पूरा। अब लाइट जो आती है पीछे से लाइट आती है, यहाँ टकराती है इसके और जो है ब्यूटी डिश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है लाइट को, और ये एकदम सन की तरह काम करता है आपके स्टूडियो में। अब इसकी यूटिलिटी क्या है ब्यूटी डिश की दोस्तों, ये है कि अगर आप एक हेडशॉट ले रहे हैं, आप एक पोर्ट्रेट ले रहे हैं, अगर आप ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप ज्वेलरी के शॉट्स ले रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह के लाइट शेपिंग टूल जो है दोस्तों बहुत ही काम आते हैं। लाइट को ना केवल वो एक अच्छा डायरेक्शन देते हैं बल्कि लाइट को जो है बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उस वो आपके ऊपर है आपको कितनी लाइट को थ्रो करना है नहीं करना है, लेकिन ब्यूटी डिश जो है दोस्तों ये आप हमेशा एक ज़रूर खरीदिए, चाहे आप किसी भी ब्रांड्स की लाइट यूज़ कर रहे हो। मैं अपने फ़ोटोशूट के अंदर, चाहे मेरे पोर्टफोलियो शूट हो, मेरे ज्वेलरी के शूट हो, इवन प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, वहाँ पे भी मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो ये एक मल्टीपर्पज़ एक प्रोडक्ट है दोस्तों और बहुत ही हल्का होता है, और आप देख रहे हैं ये इसका बैक साइड है, और आपने काफ़ी सारे शूट में देखा भी होगा कि मैंने इस ये ब्यूटी डिश को जो है कई अलग अलग तरह के शूट्स में यूज़ किया है। एक एक्सेसरी और मैं बताता हूँ दोस्तों, और वो है दोस्तों आप ये देख पा रहे हो, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ग्रिड। वैसे ये 25 degree की ग्रिड है मेरे ब्यूटी डिश के साइज़ के हिसाब से, देखिए तो ये इस तरह से जो है दोस्तों लग जाती है, आप देख पा रहे हो, देखिए इस तरह से लग जाती है। अब ये क्या काम आता है इसका, तो जैसे 25 degree की ग्रिड है तो इस तरह से कट हुई है 25 degree पर, और ये आपकी लाइट को बहुत ही जो है एक डायरेक्शन देती है, यानी कि जितनी डिग्री की ग्रिड है उसी हिसाब से जो है लाइट को डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है, तो बहुत ही डायरेक्शनल लाइट आपको मिलती है। कहने का मतलब है कि आसपास जो लाइट स्प्रेड हो रही है उसको ये कट करती है, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है आपके सब्जेक्ट को हाईलाइट करती है। अब ये सारे जो गियर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, भले हमारे पास में कितना भी अच्छा कैमरा या लेंस क्यों ना हो, अगर हमें अपने लाइट शेपिंग टूल्स के साथ में काम करना नहीं आता, अपने लाइट शेपिंग टूल्स को ठीक से यूज़ करना नहीं आता और उसका हम मैक्सिमम आउटपुट उससे निकालना नहीं आता, तो भले ही हमने कुछ भी किया हो, कितने भी महंगे गियर्स यूज़ किए हों, आपकी फोटोग्राफी में वो दम नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों आपने फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी खींच ली, आपने अच्छे लाइट शेपिंग टूल भी यूज़ किए और आपने सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, लेकिन जब आप फाइनली अपनी पिक्चर्स को लेके जाते हो अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप के ऊपर, तो वहाँ भी दोस्तों आपकी फ़ोटोज़ का जो कलर्स है वो आपको परफेक्ट मिलने चाहिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स को नहीं पता होता कि जो कंप्यूटर के स्क्रीन होते हैं या उनका जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसका भी जो है हमको मॉनिटर का कैलिब्रेशन करना पड़ता है, यानी कि वो जो कलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो कलर्स भी आपको ट्रू मिलने चाहिए, यानी कि रेड एज रेड, ग्रीन एज ग्रीन, ब्लू एज ब्लू, वाइट एज वाइट एंड ब्लैक एज ब्लैक। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गियर काम आता है या छोटी सी एक्सेसरी कह लें, वो है दोस्तों ये कलर कैलिब्रेटर। आप देख पा रहे हो मेरे पास है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए ये स्पाइडर प्रो का है, ये मेरे पास थोड़ा पुराना मॉडल है, और इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसे लिंक में लगा दिया है ताकि आप सीख सकें कि आपके स्क्रीन को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है।
बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जब ये कलर कैलिब्रेटर है, इसको हम इस तरह से अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं और उसके बाद जो है दोस्तों ये कलर को कैलिब्रेट यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करना शुरू करता है और कई बार 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी स्क्रीन को कैलिब्रेट करता है, जिससे आपके जो पिक्चर्स जो आपने शूट किए आपके कैमरा पे जो ऐसे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं सेम वही कलर के साथ आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी पिक्चर्स दिखाई देते हैं। तो ये सारा जो वर्क फ्लो है दोस्तों ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक क्वालिटी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या क्वालिटी फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आज छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पॉली स्टैंड हो बहुत ही यूज़फुल एक फोटोग्राफी गियर है, या हम समझ लें हमारा जो हमने ट्राईपॉड दिखाया था वो भी बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको एक्स्ट्रा शार्पनेस मिलती है। अगर हम बात करें हमारी ब्यूटी डिश की तो वहाँ पर आपको कमाल की डायरेक्शनल लाइट और एकदम जितना आपको लाइट चाहिए उतनी लाइट मिलती है, और बात करें अगर ग्रिड की तो वहाँ पर भी जो लाइट को बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शनल लाइट देने में जो है हेल्प करती है ग्रिड, और बात करें इस कैलिब्रेटर की तो आपको ये ट्रू कलर देती है। तो अगर आप इन छोटे छोटे गियर्स का, इन छोटे छोटे एक्सेसरीज को ठीक से यूज़ करेंगे और अपने फोटोग्राफी पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपकी फोटोग्राफी बहुत ही जल्दी एक प्रोफेशनल लेवल पे जाएगी। और आज का वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।